हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी करी हुई पेंटिंग के बारे में दिखाऊंगी, बताऊंगी। आप देखिए दोस्तों, सामने रखी हुई ये मेरी ऑयल पेंटिंग है, जिसे मैंने पिछले साल लॉकडाउन पीरियड में बनाई थी। मुझे काफ़ी समय मिल गया था, तो मैंने काफ़ी पेंटिंग बनाई हुई है, जिसमें से मैं आपको 7 पेंटिंग दिखाऊंगी जो मैंने हार्डबोर्ड में करी हुई है, और ये ऑयल पेंटिंग है। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, ये पेंटिंग मैंने हार्डबोर्ड में की हुई है, और मैं इसका बनाते हुए वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैंने पहले चैनल नहीं बनाया था, सीधे में पेंटिंग करते ही चली गई, और अब मैंने बाद में बनाया चैनल। तो ये देखिए, ये हार्डबोर्ड है, इसी तरह के हार्डबोर्ड में ये पेंटिंग बनी हुई है, और मैंने चारों तरफ से इसमें फ्रेम लगा लिया है, ताकि ये इधर उधर झुके नहीं, और ये काफ़ी मज़बूत होता है हार्डबोर्ड। जल्दी ही मैं पेंटिंग करते हुए वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस ढंग से हार्डबोर्ड पर ऑयल पेंटिंग की हुई है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ये एक वॉश करने के बाद दूसरा ड्राई हो जाए तभी दूसरा सेकंड कोड हम कर सकते हैं। कैनवास में जल्दी सूख जाती है पेंटिंग। ये देखिए, मैंने माँ जगदम्बा की पोस्टर बनाने की कोशिश की है, और ये देखिए कैसी बन रही है। इसको भी मैंने पहले कागज़ पर ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने हार्डबोर्ड में बनाया है। आप लोग भी पहले कागज़ पर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए दोस्तों, और मैंने माता का शेर बनाने की पूरी कोशिश की है, कि शेर वास्तव में शेर लगे। देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, जिससे कि मैं अपनी पेंटिंग में कुछ बदलाव ला सकूं और आपके लिए और अच्छी पेंटिंग बना सकूं। देखिए दोस्तों, बनाने की पूरी कोशिश की है, और ये 2x3 के हार्डबोर्ड में है, ये काफ़ी मज़बूत होती है, इनको कुछ नहीं होना है। ये मैंने कृष्णा, राधा कृष्णा की ये बनाई पेंटिंग बनाई हुई है, ये मैंने प्रिंटर्स में देखी थी, और फिर मैंने इसे कागज़ पे ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद फिर हार्डबोर्ड में बनाई है। ये 1.5x2 के हार्डबोर्ड में है, और इसमें मैंने ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किए हैं, 3-4 कलर से ही मैंने इसमें पेंटिंग बना ली है। और देखिए दोस्तों कैसी लग रही है पेंटिंग, देखिए। मैं पहले कागज़ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर हार्डबोर्ड में बनाती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, राधा कृष्णा। ये पेंटिंग ये भी 1.5x2 में है, लैंडस्केप, तो मैंने इसमें भी ये प्रिंटर्स में देखी थी, और वहाँ से देखकर बनाई है मैंने ये पेंटिंग। पर ये पेंटिंग दोस्तों, ये ड्रॉ नहीं किया गया, पहले डायरेक्ट ब्रश से बना लिया है। आप चाहें तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इसमें पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट ब्रश से बना लिया। ये देखिए, इसमें मैंने चारों तरफ फ्रेम लगा लिया है, और फ्रेम लगने के बाद बड़ी खूबसूरत बन के तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, मुझे तो काफ़ी पसंद है, आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
मैंने काफ़ी पेंटिंगें बना रखी है। मैं आपको सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगी जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंगें हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ना वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है। ये किचन के लिए हमारे सिल्वर चादर आई हुई थी, किचन बन रहा था तो उसमें सिल्वर चादर आई थी, उसमें एक पीस बच गया था और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें फ्रेम लगा लिया है और सिल्वर चादर में ही इसमें ऑयल पेंटिंग कर दी है। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया है, इसे ऐसे ही डायरेक्ट ब्रश से बना लिया है। मैंने रफली इसको बनाया था कि ये ऐसे ही टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो बाद में बनकर बहुत खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो गई। इसमें मैंने चारों तरफ से फ्रेम लगा लिया है और पीछे एक हार्ड बोर्ड लगा लिया, तो ये काफ़ी मज़बूत पोस्टर बनकर तैयार हो गया है। देखिए आपको अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये 2x4 के हार्ड बोर्ड में बनाई गई है। एक ये बारात का सीन बनाने की कोशिश की है। इसे भी मैंने पहले कागज़ में ड्रॉ कर लिया, कागज़ में ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने हार्ड बोर्ड में स्केच किया है और ये भी ऑयल पेंटिंग है। ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है, 2x4 की बहुत बड़ी पेंटिंग है, 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी है। बहुत बड़ी पेंटिंग है ये और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये भी मैंने 2x4 के हार्ड बोर्ड में बनाई हुई है। इस पेंटिंग को मैंने स्केच नहीं किया, ये डायरेक्ट ही ब्रश से बना लिया है। और इसमें देखिए पानी भी है, झरना भी है, पहाड़ भी बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए सब्सक्राइबर, नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो वो भी बताइएगा जिससे मैं अपनी पेंटिंग में कुछ सुधार ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।